वेलकम बैक गाइस दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे अपने अक्षय कुमार सर की मूवी मिसर रानीगंज के डे 13 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिसर रानीगंज मूवी को आज है 30वां दिन और जानेंगे मूवी आज के दिन कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर रही है और साथ ही साथ जानेंगे मूवी आपको अब तक कौन सा प्रेडिक्ट मिला है, यानी कि फ्लॉप या फिर हिट का। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों हम सभी को पता है मिसर रानीगंज जो मूवी है वो हम सभी को पता है यार दोस्तों कि जो अपने जसवंत सिंह गिल जी हैं उनकी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी पे आधारित है और उन्होंने किस तरीके से जो है कि इंडिया का फर्स्ट रेस्क्यू मिशन किया था उस पर आधारित है। तो मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हालांकि मूवी का जो प्रमोशन है वो उस लेवल पे नहीं हुआ जिस लेवल पे मूवी का होना चाहिए था और मूवी का बजट भी केवल 50 करोड़ था क्योंकि इस मूवी में अक्षय कुमार ने एक भी फीस चार्ज नहीं की थी। तो दोस्तों इसके लिए उनको दिल से सैल्यूट, और उन्होंने बोला था कि ये मूवी जो है कि मेरे दिल के काफ़ी करीब है इसलिए उन्होंने जो है कि इस मूवी में कोई भी फीस चार्ज नहीं करी थी। तो दोस्तों मूवी का जो बजट केवल 50 करोड़ था और इस मूवी में बहुत सारे बेहतरीन एक्टर भी थे, परिणीति चोपड़ा, रवि किशन जैसे एक से एक बेहतरीन अभिनेता इस मूवी में देखने को मिले थे। वहीं बात करें दोस्तों मूवी के अब तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने 29 दिन सिनेमाघरों में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं और इन 29 दिनों के अंदर जो मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे जो कलेक्शन किया है दोस्तों वो थोड़ा बोले तो डिसेंट बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया है, जिसमें कि इंडिया से नेट मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया है वो किया है 34 करोड़। जी हाँ दोस्तों, लगभग 34 करोड़ इंडिया नेट, और वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे जो है कि मूवी ने कलेक्शन जो किया है वो किया है लगभग 46 करोड़। जी हाँ दोस्तों, अब वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से जो फिगर हैं वो भी आ चुके हैं और मूवी ने जो है कि 46 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया है। बात कर लेते हैं आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की दोस्तों, तो आज के दिन मूवी जो है कि लगभग 15 लाख का कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों हम सभी को पता है यार मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो हो चुका है वो लगभग 36 करोड़ 15 लाख हो चुका है। दोस्तों मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फ्लॉप साबित हो चुकी है और वैसे ये मूवी फ्लॉप साबित नहीं होनी चाहिए थी, हिट होनी चाहिए थी क्योंकि जिस तरीके से मूवी की जो स्टोरी है और ऐसी मूवीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, बट मूवी फ्लॉप हो चुकी है दोस्तों। तो आपकी राय जो भी है इस मूवी के लिए दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।